के तुकोगंज थाने में गुटखा किंग किशोर वाधवानी के खिलाफ आज प्रकरण पंजीबद्ध किया है। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के मामले में DRI द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। आपको बता दें, करोड़ों रुपए टैक्स चोरी के मामले में गुटखा माफिया किशोर वाधवानी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। प्रकरण DRI द्वारा दर्ज कराया गया है। DRI का आरोप है कि किशोर वाधवानी द्वारा करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की गई थी। इस पूरे मामले में किशोर वाधवानी व उसका भतीजा नितेश वाधवानी के खिलाफ तुकोगंज थाने में धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जांच शुरू की गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान करोड़ों रुपए की गुटखे की टैक्स चोरी की थी और कई दिनों तक जेल में बंद रहा था किशोर वाधवानी। तुकोगंज में GST इंटेलिजेंस के द्वारा डायरेक्टरेट जनरल की तरफ से एक उसमें रिपोर्ट आई है जिसमें से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें किशोर वाधवानी देश वाधवानी दो आरोपी हैं और उनके द्वारा धोखाधड़ी और जिसमें कि उनके कोर्ट रचित दस्तावेज भी हैं उस पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, लगभग कितने की GST का धोखा? इसमें भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरी चीज़ें। सर, आरोपी दोनों गिरफ्तार हो गए हैं अभी? कल रात को उसका प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, इन्वेस्टिगेशन जारी है।